खबरों में बीकानेर। सिंधियत के संरक्षण और संवर्धन के लिए बच्चों ने ली शपथ। भारतीय संगीत महानगर की ओर से रथाला और करमपुरी में लगाए गए निःशुल्क बाल सिंधी संस्कार शिविर। जुटाई है खबरों में बीकानेर ने कुछ तस्वीरें दोनों कैंप से। बच्चों ने की आरती, झूलेलाल जी की तो हीरालाल रिजवानी जी ने की पूजा अर्चना। गुंजन ने सिखाया बच्चों को सिंधी पाठ। बच्चों ने की प्रार्थना। गुंजन ने सरस्वती देवी की आरती भी की और बच्चों ने योग करके मस्ती भी की। मोहन थानवी ने की पूजा अर्चना रथखाना में। किशन सदारंगानी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। केशव खत्री ने आरती के दीप जलाए। मोहन थानवी ने अदाओं से बताया सिंधियत गीतों का महत्व। श्याम आहूजा जी ने सिंधी भाषा प्रचार और साहित्यिक गतिविधियों के साथ सिंधु सभ्यता और सांस्कृतिक गतिविधियां बीकानेर में के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने पेश किए गीत। बच्चों ने सुनाई सिंधी में कहानियां। सामूहिक रूप से भी दी गई प्रस्तुतियां। राजकुमार बलिरमानी और भारती बलिरमानी ने पवनपुरी में अपने निवास पर आयोजित शिविर में की पूजा अर्चना। रथखाना में और पवनपुरी में दोनों जगह बच्चों ने ही बच्चों को दिलाई सिंधियत के संरक्षण और संवर्धन की शपथ। देवीचंद खत्री, अनिल डेम्बला, सुरेश केशवानी और समाज के दूसरे गणमान्य लोगों ने बच्चों को सिंधी कहानियों के माध्यम से बताया कि सिंधी में बात करना, सिंधी में लिखना, सिंधी सीखना, सिंधी में पढ़ाई करना न केवल समाज के लिए अपितु देश के लिए भी विकास के मार्ग खोलता है। देवीचंद खत्री ने आशा, विश्वास, शांति और प्रेम के दीपकों की कहानी सुनाई। शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ की गई मेहनत का फल उनकी प्रस्तुतियों के माध्यम से इस शिविर में प्रस्तुत किया। बच्चों ने भगवान झूलेलाल से प्रार्थना कर यह मांगा कि वे सिंधियत के प्रचार प्रसार के लिए समर्थ बन सकें।
फोटो सहयोग केशव खत्री, अनिल डेम्बला, सुरेश केशवानी। इस तरह दोनों जगह शिविर चल रहे हैं, बीकानेर, खबरों में बीकानेर।